सेल्स हो या लाइफ हो या किसी भी प्रकार का आपकी जिंदगी में चैलेंज हो, अगर आपको उसको ओवरकम करना है, अचीव करना है, तो ट्रैवल एक बहुत अच्छा जरिया है। ट्रैवल ना सिर्फ आपको कॉन्फिडेंट बनाता है बल्कि ये आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट भी देता है, विच हेल्प यू टू ग्रो इन लाइफ, विच हेल्प यू टू अचीव योर टारगेट, विच हेल्प यू टू डू व्हाटएवर यू वांटेड टू डू। सो इफ यू वांटेड टू डू समथिंग, इफ यू वांटेड टू अचीव समथिंग, यू हैव टू ट्रैवल। आपने लोगों को देखा होगा, आपने बहुत सारे बड़े लोगों को देखा होगा जिन्होंने ट्रैवल से अपनी जिंदगी बदल दी है। आप चाहे विवेकानंद की बात करें या गौतम बुद्ध की बात करें, इन सभी ने ट्रैवल से स्टार्ट किया था, इन सभी ने घूमने से स्टार्ट किया था, इन सभी ने अपनी जिंदगी, अपने करियर को स्टार्ट करने से पहले भ्रमण किया था। 2018 ही था जब मैं शायद अपने शहर से, अपने स्टेट से बाहर गया था अकेले, और वो भी किसी वॉक ट्रिप पे। अब मैं आप सबको ये क्यों बता रहा हूँ, आपको मैं क्यों बता रहा हूँ कि मैं कैसे ट्रैवल करता हूँ या किस तरीके से ट्रैवल करता हूँ, क्योंकि अगर आपको कुछ अलग करना है लाइफ में, या अगर आपको किसी भी क्राउड में स्टैंड आउट करना है, या आपको सिग्मा मेल बनना है, तो आपको ट्रैवल करना बहुत जरूरी है। अक्सर हमने देखा है कि लोगों का एक ड्रीम होता है कि उनको ट्रैवल पर निकलना है, अकेले जाना है, सोलो ट्रैवलिंग करनी है, पर क्यों? कभी आपने सोचा है कि लोग ये क्यों करना चाहते हैं? क्यों ये इतना एडवेंचरस है? क्यों इतना एक्साइटिंग है? क्यों लोग इसको सक्सेस के पैरामीटर मानते हैं कि अगर कोई अकेले कहीं ट्रैवल कर रहा है या पूरा वर्ल्ड टूर पे जा रहा है तो वो सक्सेसफुल है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है जो कोई भी आपको नहीं बताता है। बस ये जरूर बताता है कि उनको ट्रैवल करने जाना है, पर क्यों जाना है, किस लिए जाना है, ये कोई नहीं बताता है। आज इतने सालों के ट्रैवल के बाद, इतने जगह ट्रैवल करने के बाद, ऑलमोस्ट सारी मेजर सिटीज इंडिया में घूमने के बाद, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों ट्रैवल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहली बात, अगर आप ट्रैवल करने जाते हैं तो वहां पे आपको अनसर्टेनिटी का पता चलता है। वहां पे ये आपको पता चलता है कि क्या ऐसा है जो आपको पहले से पता नहीं था, क्या ऐसी चीजें हैं जो आपने कभी देखी नहीं थी। मैं जब पहली बार बाहर निकला था, मैंने पहली बार बिना टिकट के ट्रेन में ट्रैवल किया था, और वो ट्रैवल बहुत ज्यादा एक्साइटिंग था। मतलब मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, मुझे डर लग रहा था कि क्या पता टीटी आके मुझे ट्रेन से ना उतार दे, पर मेरा ट्रैवल करना बहुत जरूरी था। और बाद में मैंने फिर टीटी से मिला, उनको रिक्वेस्ट की, थोड़ा सा फाइन भरा, एंड देन फिर मुझे सीट भी मिल गई। पर ये सारी चीजें होती हैं जब आप कहीं नई जगह पे जाते हैं, आपको रहने का पता नहीं चलता है। एक और एग्जांपल मैं देता हूं, मैं एक ऐसे जगह पे गया था जहाँ पे कोई होटल्स नहीं थे, वो पूरा रिमोट एरिया था, एंड वहाँ पे धर्मशाला मिल रहे थे 300 रुपए पर नाइट पे। और उस धर्मशाला में चौकी पड़ी हुई थी, पुरानी कंबल पड़ी हुई थी, और एक बहुत छोटा सा रूम था। 300 रुपए पर नाइट का आप समझ ही सकते हो कि किस तरीके का होटल रहा होगा या किस तरीके का धर्मशाला रहा होगा। वहाँ पे कोई ओला उबर नहीं था, वहाँ पे पूरी की पूरी रास्ते खराब थी, कीचड़ से भरी हुई, और उन रास्तों में चल के मैं क्लाइंट के प्लान पे पहुंचा था। और ये सारी चीजें होती है। इसके अलावा अगर आप खाने की बात करें तो खाना आपको जैसा आप खा रहे होते हैं, घर में आपको माँ के हाथ का खाना मिलता है या बहुत आराम से खाना मिल जाता है, आप स्विगी जोमेटो से ऑर्डर कर लेते हैं। पर कुछ ऐसे जगह भी होते हैं जहाँ पे ये सब नहीं मिलता है, कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं आपको जो आपको बहुत ज्यादा ही अचंभित कर सकते हैं। ऐसे लोग जो कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिसका आपको पता ही नहीं था। अगर मैं एक एग्जांपल और दूं तो मैं एक इंसान से मिला था जो कुछ बायो प्रोडक्ट के साथ कर रहा था, जो वेस्टेज हो चुके थे उनको बहुत अच्छे से आर्ट में बना के बेच रहा था। ये सिर्फ हमें टीवी या न्यूज में पता चलता है, जब आप फिजिकली देखेंगे, उन लोगों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आप कितने पीछे हैं और वो कितने आगे निकल चुके हैं। अब इसको लोग सक्सेस का पैरामीटर्स क्यों मानते हैं, क्योंकि जब आप अकेले निकलते हैं, जब आप रास्ते पे जाते हैं, ऐसे जगह पे जाते हैं जहां पे आपको पहले पता नहीं था, तो एक तो आपका डर खत्म होता है, आप एक नए तरीके से बन के निकलते हैं, आप नई नई चीजें ट्राई करते हैं, और वो आपको एक अलग तरीके की खुशी देती है, एक ऐसी खुशी जो नॉर्मली नहीं मिलती है। जैसे कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया हो, जैसे एक बहुत मेजर टास्क कर लिया हो, अकेले रात के 2 बजे किसी सुनसान सड़क पे चलना अनजान शहर में, और जब आप सेफली अपने जगह पे पहुंच जाते हैं, बाद में वो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग आपको फील होता है, भले ही पहले डर लग रहा हो। एक ऐसे जगह पे जाना जहाँ की भाषा आपको नहीं आती है, पर फिर भी आप लोगों से बात कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, सारे ही कर रहे हैं, और वो आपको बाद में बहुत अलग फील देती है। ऐसे रास्ते पे चलना जिस रास्ते का कंस्ट्रक्शन अभी तक नहीं हुआ है, पर आप जब अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं तो वहां का जो नजारा है, वहां के जो दृश्य है, वो देख के आपके दिल को बहुत सुकून मिलता है, ये एक अचीवमेंट की खुशी देती है। तो ये सारी चीजें होती हैं जो आपको एक अलग पर्सन बनाती है। तो अगर आपको कुछ बड़ा अचीव करना है, या अगर आपको ये फील करना है कि कैसे लोग जी रहे हैं, कैसे दुनिया बदल रही है, इसके लिए आपको ट्रैवल करना बहुत जरूरी है। मैं सभी को सजेस्ट करता हूं कि अकेले जाके रहना जरूरी है, अकेले आपको ट्रैवल करना जरूरी है। जब तक आप ट्रैवल नहीं करेंगे, जब तक आगे नहीं निकलेंगे, तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप कहां स्टैंड आउट करते हैं, आप किस तरीके से जी रहे हैं, आप कितने आगे या कितने पीछे हैं। तो आपको ट्रैवल करना बहुत जरूरी है। कुछ और चीजें जो मैं आपको बताना चाहूंगा ट्रैवल रिलेटेड, कि अगर आपको ट्रैवल करना है तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप पहले उन जगहों से स्टार्ट करें जिनके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं, या जहां पे आपको बहुत ज़्यादा डर ना लगे। अक्सर मैंने देखा है कि जब ट्रैवल करने में जाता हूं तो मैं ये कोशिश करता हूं कि मैं उन जगहों पे पहले जाऊं या उस जगह के बारे में ज़्यादा जान सकूं, ताकि मैं वहां पे कंफर्टेबल हो जाऊं।
हालांकि कंफर्टेबल होना नहीं चाहते हैं लोग, बट फिर भी अनकंफर्टेबल में भी कंफर्टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसे जगह पे जहाँ पे अनकंफर्टेबल है वहाँ पे भी थोड़ा सा अगर कंफर्ट आप ढूंढ पाते हैं तो बहुत जरूरी है ये। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहाँ पे सिर्फ अच्छी अच्छी जगह ना घूमें। मतलब जो फेमस है वहाँ पे तो जाए वो अलग बात है, बट सिर्फ फेमस जगह को ही घूम के वापस ना आए। आप लोकल मार्केट्स में जाए, लोकल लोगों से बात करें, आप वहाँ के जो लोग काम कर रहे हैं उनसे बात करें, वहाँ पे कैसे काम होता है वो समझने की कोशिश करें। अगर आप उन चीज़ों को नहीं समझते, उन चीज़ों को नहीं देखते हैं, तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। सिर्फ अगर आप किसी शहर में गए और वहाँ किसी फेमस चीज़ों पर चले गए, किसी से बात नहीं की आपने, आप अपने कैब में गए कि अपने कैब में आके वापस होटल में बैठे रह गए, तो कोई मीनिंग नहीं होता है। तो ट्रैवल का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ बाहर जाके जो फेमस जगह वहां पे घूम के आ गए। ट्रैवल का मतलब है कि आप वहां पे जाके समझ रहे हैं उन चीजों को, रह रहे हैं वहां का कल्चर अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड देन आप समझ पाएंगे कि क्या चल रहा है उस जगह पे और क्या नहीं चल रहा है। तो अगर आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट ट्रैवल करें। और हाँ, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने लास्ट सिटी कौन सी थी जहां पे आपने ट्रैवल किया था। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स।